मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज है 2022 का आखिरी दिन। जी हाँ, आज 31 दिसंबर है और बस न्यू ईयर आ जाएगा। आइए, इतना देर हो गया, मेरे बालों में ऑयलिंग की थी और किसी वजह से लाइट चली गई तो पानी ठंडा हो गया, नहा नहीं पाई थी। तो वेट करते 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 अब नहाऊंगी। वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि स्किप भी कर सकते हैं, कल नहा लेंगे, कौन सा गर्मी है, लेकिन मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की है ना, ऐसे मैं लेट भी नहीं सकती, बिस्तर पर पूरा तेल तेल हो जाएगा, इसलिए नहाना बहुत ज़रूरी है। नहाएंगे सर से, उसके बाद टेंशन नहीं है क्योंकि ड्रायर है ना, ड्रायर से बाल सुखा लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए बस मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए। पानी गर्म करने पहले ही लगा दिया है और मशीन में कुछ कपड़े पड़े थे तो वो धुलने लगे हैं। फटाफट से नहाएंगे, उसके बाद गर्म गर्म चाय पियेंगे। तो चलिए चलते हैं। मशीन तो चलने लगी है क्योंकि मशीन चल ही रही थी जब लाइट चली गई है। मैं नहाने ही जा रही तब तक लाइट चली गई। तो देखिए कपड़े धुल रहे हैं और तब तक नहाएंगे, पानी भी गर्म होने लगा है। उसके बाद किचन की हालत इतनी ख़राब हो रखी है क्योंकि इतना ठंडा आज मौसम था, बहुत ठंडा मौसम था, पूरा एकदम कतई कोहरा था, एकदम पूरा दिन रहा। हल्की सी धूप निकली थी पर फिर से वो धूप का कोई मतलब नहीं था, 1-1.5 घंटे के लिए धूप समझ लीजिए थी। उसके बाद मैंने हाथ एकदम पानी में डालो, ऐसी मतलब ठंड है आज कि पानी में हाथ डालो उसके बाद तुरंत सेंको, ऐसा हाल कुछ है पानी का। तो इसलिए मैंने बर्तन भी नहीं धुले हैं, किचन वगैरह को साफ नहीं किया क्योंकि लाइट चली गई, मैं नहा भी नहीं पाई और इतना ठंडा पानी था। एकदम पूरा सिंक भरी है और एकदम किचन पूरा सब मैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि लाइट चली गई, इसलिए कुछ काम नहीं हो पाया। नहा लेती जल्दी, ऐसा काम लगा दिया था, बर्तन पहले से ही ऑन थी, तैयार थी नहाने के लिए पर नहा नहीं पाई, इतनी किस्मत ख़राब थी ना। और इनको मालूम था कि पहले से लाइट जाने वाली है, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं मॉर्निंग में कि यार लाइट जाने वाली है, नहीं तो मैं सुबह ही नहा लेती। तो अभी चलिए फिर नहाने के बाद में मिलते हैं। पाई थी ना तो लाइट नहीं थी, मुझे तो टेंशन हो गई थी कि लाइट नहीं है तो कैसे क्या होगा। फिर लाइट तो फिलहाल आ चुकी है, यहाँ पर हीटर लगा रखा है, सेंक रहे हैं हाथ और चाय भी चढ़ा दी थी। घर से फ़ोन आ रहा था, 3 बार घर से फ़ोन आया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, फिर मैंने कॉल की तो पता चला कि बात करना चाह रहे थे मामा जी, तो बात हो गई होगी उनकी। मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, नहाने के आकर के तुरंत चाय चढ़ा दी, सबसे पहले चाय चढ़ाई थी, उबल गई होगी। हाँ उबल गई है, अब इसमें अदरक डाल देते हैं, अदरक कूट के रखी थी तो अदरक भी मैंने डाल दी है इसमें, अब थोड़ी देर और उबलने दें। तो यहाँ पर नहाने के बाद में मैं अपने ड्रायर से बाल सुखा रही हूँ क्योंकि उस दिन जो है ना रात को नहा पाई थी, तकरीबन 6:30 या 7 हो रहा था, बहुत लेट हो गया था क्योंकि पूरा दिन लाइट तो आई नहीं, ऑयलिंग की थी बालों में, इस वजह से नहाना भी इम्पोर्टेंट था। इसलिए जब शाम को लाइट आई तब फिर नहाया, बाल बाल धुल के फिर उसके बाद में चाय वाय पी। इतना ज़्यादा उस दिन सर दर्द होने लगा था, हल्का हल्का सा, भले ही ड्रायर से सुखा लिए थे फिर भी हल्का सा सर दर्द हो रहा था। तो मैं चाय वाय पी के फिर थोड़ी देर आराम किया था, उसके बाद में फिर खाना ना बनाया था। देखिए पूरी तरीके से बाल सूख गए हैं हमारे, ड्रायर से बहुत अच्छे से बाल सूख जाते हैं अगर देर हो गई है नहाने में। यहाँ पे मैं मूवी देख रही थी, आराम भी कर रही थी, मूवी भी देख रही थी, मुझे तो अच्छी लगती है मूवी, ये बहुत कम देखते हैं बस। तो यहाँ पे धड़कन मूवी चल रही थी, वो मैं देख रही थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था ना, 31 तारीख को बहुत ज़्यादा कोहरा, उस दिन तो पूरे दिन नहीं खुला था कतई, ज़रा सा भी नहीं खुला था, बहुत ज़्यादा ठंड थी उस दिन, कपड़े तक नहीं सूख पाए थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी, खुला ही नहीं था थोड़ी देर के लिए भी। और ये मैं यहाँ पे धुलाई कर रही हूँ क्योंकि पोर्च हल्का सा गंदा हो गया था, और जब ये बाइक लेके जाते हैं तभी मैं पोर्च अच्छे से धुल पाती हूँ, नहीं तो बाइक खड़ी रहती है ना तो फिर नहीं धुलते बनता है पोर्च। तो बाइक लेके ये गए हुए तो मैंने सोचा लगे हाँ जल्दी जल्दी से धुल देती हूँ, पोर्च भी गंदा अच्छा नहीं लगता है।
तो यहाँ पे मैं पोर्स धो लूंगी फटाफट से। और ये मैं नहाने के बाद मैं छत पे आई थी थोड़ा सा कपड़े सुखाने के लिए, ऐसे ही डाल दिए थे क्योंकि हवा चल रही थी ना, तो मैंने सोचा कि सूखेंगे नहीं, चलो थोड़ी हवा ही लग जाएगी। तो मैं कपड़े डालने आई थी तो मैंने सोचा आग जला लेती हूँ। कपड़े फैलाने आओ ना तो उसके बाद कपड़े फैलाने के बाद में हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही आग जला ली थी कि कपड़े फैला दूंगी उसके बाद थोड़ा सा हाथ सेंक लूंगी उसके बाद मैं फिर नीचे जाऊंगी। तो देखिए कपड़े मैंने फैला दिए हैं, थोड़ी सी हवा लग जाएगी फिर उतार लेंगे शाम को। छत पे कपड़े डालने और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, आज तो नहीं लगता है कि धूप निकलेगी, अभी तक नहीं निकली तो अब क्या निकलेगी। तो फिर कपड़े डालने आए इतने ठंडे हाथ हो जाते हैं, इसलिए आग भी जलाई हुई है, थोड़ा सा हाथ सेकेंगे फिर चलेंगे नीचे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज है 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन है और नए साल के लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप सबको एडवांस में ही मैं कह दे रही हूँ, एडवांस में क्या, ये वीडियो मैं कल ही पोस्ट करूँगी न्यू ईयर वाले दिन। तो आप मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ, भगवान आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए नए साल के साथ में।